Hello students, how are you? I am Mahkar Sir. Okay, 10th class, subject English first, poetry lesson number 1, the fountain. उसकी मैंने आपको रीडिंग लगा दी है, अच्छी तरीके से आपको समझा दिया, अंडरस्टैंड कर दिया है, और जो है आपको मैंने फोर लाइन करने के लिए कहा अपनी कॉपी में, यानी कि आपने फोर लाइन को नोट करें पोएट्री की, कविता की, द फाउंटेन की, और उन्हें लर्न करें, क्योंकि आपकी बोर्ड में, और देखिए आज मैंने आपको सेंट्रल आइडिया भी लिखा दिया है, इसे मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा अभी, और आपको दोनों ही याद कर लें, ये चाहो तो आप फोर लाइन पोएम ही याद कर लें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में चार लाइने कविता की लिखने की आएंगी या सेंट्रल आइडिया, दोनों में से कोई भी एक करना है, सिर्फ 3 मार्क्स का होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और मैं तो आपको देखिए अगर सेंट्रल आइडिया मुझे लगता है तो सेंट्रल आइडिया लर्न कर लेना, अगर फोर लाइन करनी है तो फोर लाइन लर्न कर लेना, ओके। और देखिए मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको सेंड करें, और जो बेचारे घर पे हैं, जो कहीं पढ़ नहीं सकते, उन्हें सेंड करें और उनसे कहें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जितने लाइक करेंगे आप, जितना सब्सक्राइब करेंगे, जैसे ही मेरी वीडियो बने, ये सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट पोएट्री लेसन नंबर 1 द फाउंटेन सेंट्रल आइडिया, ओके। द फाउंटेन मैंने आपको बताया, फाउंटेन, द फाउंटेन मीन्स फव्वारा, फव्वारा मीन्स लाइक, जैसे कि आप कहीं जाते हैं शहरों में बना हुआ होता है और वो चलता रहता है, ठीक है, जो फव्वारे की तरह होता है और जो चलता रहता है, ठीक है। द फाउंटेन इज ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द वर्ल्ड, देखिए द फाउंटेन फव्वारा इज ए सोर्स, सोर्स मीन्स स्रोत है, ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरित करने का, यानी कि फव्वारा ऑफ फॉर द वर्ल्ड कवि के लिए, यानी कि फव्वारा जो है कवि के लिए इंस्पायरेशन है, कवि को प्रेरित करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि फव्वारा क्या है, हर समय चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, धूप की रोशनी में और चंद्रमा की रोशनी में उसका कलर कैसा दिखता है, लाइक ए क्रिस्टल, ठीक है, एकदम बहुत लाइट मारता, शाइनिंग एंड फ्लैशिंग, और जब हवा चलती है तो फ्लैशिंग फ्लैशिंग करता है, ठीक है, सर मैंने आपको समझाया। तो द फाउंटेन इज ए सोर्स ऑफ इंस्पायरिंग फॉर द पोएट, हमारा जो है कवि के लिए इंस्पायरेशन है, यानी कि कवि को प्रेरित करता है, कवि के लिए प्रेरणा है। इट लुक्स चार्मिंग डे एंड नाइट, और देखिए दिन हो या रात, ये हमेशा बहुत चार्मिंग मींस ब्यूटीफुल दिखता है, अच्छा लगता है, ठीक है। इट रिमेन्स ग्लैड इन ऑल वेदर्स, देखिए इट रिमेन्स ग्लैड, और ये हमेशा ग्लैड मींस प्रसन्न लगता है, इन ऑल वेदर, सभी मौसम में, आपका कोई सा भी मौसम हो, ठीक है, स्प्रिंग हो, समर हो, विंटर हो, ऑटम हो, ये प्रत्येक मौसम में प्रसन्न रहता है, तो प्रसन्न लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इट्स मूवमेंट्स आर नेचुरल एंड इट कैन नॉट बी ट्रेन, और देखिए इसकी जो मूवमेंट्स की अपनी गतिविधि, इसकी जो गतिविधि है वो बिल्कुल नेचुरल है, आर नेचुरल, ठीक है, बिल्कुल नेचुरल है, एंड इट कैन नॉट बी ट्रेंड, और इसे कभी भी ट्रेंड नहीं किया गया, यानी कि कभी देखा होगा दोबारा कभी ऊंचा जाता है, कभी नीचे जाता है, हवा के झोंके से कभी इधर होता है तो कभी उधर होता है, तो इसकी जो मूवमेंट है, जो इसकी गतिविधि है वो बिल्कुल नेचुरल है, ओके। कोई भी इसे ट्रेंड नहीं किया गया है, यानी कोई इसे ट्रेनिंग नहीं दी है, कोई इसे सिखाया नहीं गया है कि आप ज़्यादा ऊँचे हो जाओ या कभी नीचे हो जाओ या कभी इधर हो कभी उधर हो, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे जो मैंने आपको रीडिंग लगाई है, आप वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल
सिंपल हो जाएगा आपको, यानी कि सेंट्रल आइडिया आप खुद वैसे ही लिख सकते हैं, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा अंडरस्टैंड करना है। इट इज अनटाइम इवन हैप्पी सीजलेसली एस्पायरिंग एवर फ्रेश एंड ग्लोरियस। देखिए इट इज अनटायरिंग, अनटायरिंग अंधका, यानी कि यह कभी भी थकता नहीं है। आपने देखा होगा फुव्वारा हमेशा चलता रहता है, कभी थकता नहीं है। ओके इवन हैप्पी सीजलेस एस्पायरिंग, और देखिए यह हर गतिविधि में चढ़ते हुए भी या उतरते हुए भी, नीचे होते हुए भी और ऊंचा होते हुए भी हैप्पी रहता, प्रसन्न रहता। ओके एवर फ्रेश, और क्या रहता है, हमेशा फ्रेश रहता है, तरोताजा बिल्कुल। एंड ग्लोरियस, एंड ग्लोरियस को चमक बिल्कुल बढ़िया अनोखा फंटास्टिक लगता है। ओके स्टूडेंट्स, द पॉइंट ऑल्सो विशेस टू रिमेन फ्रेश, द पॉइंट कभी ऑल्सो विशेस इच्छा करता है रिमेन फ्रेश, यानी कि कभी भी चाहता है कि वह भी फव्वारे की तरह फ्रेश तरोताजा, कभी भी ना थकने वाला और हमेशा वर्क करने वाला हो। ठीक है, ये कभी फव्वारे से सीखता है। ओके स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट एंड अपवर्ड लाइक द फाउंटेन, और देखिए अपवर्ड और डाउनवर्ड मैंने आपको पढ़ाया, वही फाउंटेन एंड अपवर्ड, यानी कि जब फव्वारा चढ़ता है कभी ऊंचा होता है तो कभी नीचा होता है, ये फव्वारे की मूवमेंट स्पेशल रहती है। ठीक है, फव्वारे की जो गतिविधि है हमेशा चलती रहती है, कभी एक जगह नहीं रुकती। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और अच्छे तरीके से लर्न करना है। ओके, और देखिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को जो घर पे नहीं पढ़ रहे हैं, जिनके स्कूल अभी नहीं खुल रहे हैं, जो अधिकतर गाँव वासी हैं, तो उन्हें ये सेंड करें, क्योंकि बुक तो सभी पे हैं, किसी पे नहीं है तो किसी पे पुराने बुक सेम है, सब कुछ सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस इसे समझाने आते हैं, मैंने आपको अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया, इसे समझा दिया। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, ओके, गुड बाय। बहुत अच्छा समझाया, मुझे बहुत ही